श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह तामी ने पाकिस्तान के गुरद्वारा पंजा साहिब विखे 30 अक्तूबर को करवाए जा रहे श्री पंजा साहिब के शहीदी मौके पर समागमों में शामिल होने जा रहे वड्डी गिनती श्रद्धालुओं के वीज़े इस्लामाबाद वालों रद्द करने के सख्त इतराज़ प्रगट किया है। उन्होंने कहा कि हरिमंदर साहिब के ग्रंथियों अते रागियां श्रोमणी कमेटी के मैंबरां अते अधिकारियों के वीज़े रद्द कर दिते गए हैं। उन्होंने कहा कि इस नाल पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अते श्रोमणी कमेटी वालों सांझे तौर पर करवाई जा रही है शताब्दी समागमों के प्रबंध प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान अधिकारियों को अपील करता हाँ कि वह अपने फैसले को मुड़ वापस लैन अते सारियां दे वीजे लगवाउण। बाणी गुरु गुरु है बाणी बच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारी। अज सतगुरु साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अज दे दिन तख्त श्री हजूर अवचल नगर नंदेड़ विखे सतगुरु जी ने धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी ने गुरता गद्दी अज बख्शिश की। जो पहला रवायत चल रही थी उस अनुसार सतगुरु जी ने गुरु साहब जी ने गुरता गद्दी बख्शिश करके सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो ये मैं समझदा शायद इस धरती ते पहले गुरु आ धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिन्हां नूं गुरता गद्दी सतगुरु जी ने हथीं बख्शिश की। तो साढ़े बतौर ज्ञान का सागर गुरबाणी साड़ी योग अगवाई करती सारी संगत नूं अज दे दिन ते बहुत बहुत बधाई दिना। तो ये भी कामना करदा कि पवित्र गुरबाणी का संदेश साढ़े हिरदियां विच भी बस जाए। धन गुरु नानक देव पातशाह जी ने इस धरती ते आ के सारियां नूं एक सामरल तले लै के आंदा सी क्योंकि उस वेले जो लोग वर्ण बाग दे विच ते ऊच नीच जात पात दे विच फसे सी सतगुरु जी ने यह पवित्र पैरां चला के गुरु घर की मर्यादा सारियां नूं एक समतल ते लै के आंदा। संगत रूपी कोई वितकरा नहीं सी जां कीर्तन सुणदा सतगुरु जी पवित्र गुरबाणी का कीर्तन गुरबाणी गायन करदे सब नूं एक समतल ते रखिया जांदा सी। इहो कारण सी कि उस वेले भी गुरु नानक देव पातशाह जी दे आदकाल तों भी उस वेले दे जिहड़े धार्मिक तौर दे उत्ते भुल्लड़ सी जिन्हें वख वख वंडियां दे विच धर्म वंडियो सी वह सतगुरु जी का विरोध करदे रहे। सतगुरु जी तों बाद निरंतर अज तक इस सिख सिधांत नूं हमेशा ही इहदे नाल जबर जनाह करन दा जबर जनाह लफ्ज़ ना कह लवां कि इहनूं जिहड़ा सतगुरु जी ने सानूं पवित्र सिधांत बख्श किया सी इहनूं सट मारन दी हमेशा ही जतन कीती है और ये अज भी सिधांत साडी उही अगवाई कर रहा जिहड़ी गुरु नानक देव पातशाह ने सानूं बख्शिश कीती सी। सो अज उहनां महान शहीदां नूं जिन्हां महान शहीदां ने गुरु नानक देव पातशाह जी दे उस पवित्र चरणां तों सेध लै के जिहड़ियां परंपरावां गुरु साहब जी ने आप पाईआं सी उहनां दे तहत जदों गुरु के बाग दे मोर्चे दे विच जिहड़ा 6 अगस्त 1922 नूं शुरू होया उहनां नूं तकरीबन लगभग बहुत सारे जिहड़े उस वेले कैद कीते गए सिंघ उहनां नूं गड्डी राहीं अटक दे विच जेल दे विच लिजाया जा रहा सी। गुरु के सिखां ने स्टेशन मास्टर नूं जा के बेनती की कि असीं गुरु के सिखां नूं लंगर छकाउणा पर उहनें कहा उत्तों हुक्म आ गया कि गड्डी इत्थे रुक नहीं सकदी। गुरु के सिखां ने जुड़ के अरदास कीती गुरु ने सिर ते हथ रखिया गड्डी भी रुकी शहीदियां भी होईयां ते सिखां नूं लंगर भी छकाया गया।